हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑप्शन माई बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको हिडन करिकुलम, कोर करिकुलम के बारे में बताया, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ देख सकते हैं स्पाइरल करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ करिकुलम डिजाइन अप्रोच टू एजुकेशन दैट इंट्रोड्यूसेस की कॉन्सेप्ट्स टू स्टूडेंट्स एट अ यंग एज एंड कवर्स दीज कॉन्सेप्ट्स रिपीटेडली विथ इंक्रीजिंग डिग्रीज ऑफ कम्प्लेक्सिटी। कहने का क्या मतलब हुआ कि यह शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम का डिज़ाइन है। कौन? स्पाइरल करिकुलम, जो छात्रों के लिए प्रमुख अवधारणाओं का परिचित देता है और उन अवधारणाओं को बार बार जटिलता की बढ़ती डिग्री और एज के साथ में कवर करता है। ठीक है, इस अप्रोच इज ऑल्सो नाउन एज स्पेस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। क्या मतलब हुआ कि इस दृष्टिकोण को या फिर इस अप्रोच को स्थान यानी कि प्लेस्ड आर वितरित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है आपका इट कंट्रास्ट विथ ब्लेड आर मैच्ड करिकुला। ये जो आपका स्पाइरल पाठ्यक्रम है इसको ठहराव या फिर सामूहिक पाठ्यक्रम से अलग माना जाता है। Which doesn't introduce difficult concept until the student has reached a higher level of education. जो छात्र के उच्च स्तर पहुंचने तक कठिन अवधारणाओं का परिचित नहीं देता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। इट इज अ टेक्निक ऑफन यूज्ड इन टीचिंग आर टेक्स्ट बुक इन विच फर्स्ट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर लर्न विदाउट वेयरिंग अबाउट डिटेल्स। क्या मतलब हो गया कि ये अक्सर शिक्षण पाठ्य पुस्तकों में उपयोग की जाने वाली एक टेक्निक है जिसमें पहले के मूल तथ्य की चिंता किए बिना विषयों को सिखाया जाता है। देखिए, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पाइरल करिकुलम को हम क्या कहेंगे? स्पाइरल का मतलब होता है कि पेचदार या चक्रदार। ठीक है, तो पेचदार पाठ्यक्रम का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा चक्रदार पाठ्यक्रम होता है जो कि समय के साथ में बढ़ता रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखेंगे जो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, A spiral curriculum can be defined as a course of study in which student will see the same topic throughout their school career. क्या मतलब हो गया कि पेचदार पाठ्यक्रम जो होता है, पेचदार पाठ्यक्रम को एक अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है। With each encounter increasing the complexity, जिसमें छात्र देखते हैं कि उनके पूरे स्कूल कैरियर में एक ही विषय प्रत्येक लेवल के साथ में जटिलता बढ़ती जा रही है। Dividing the content of a lesson into small units and organizing according to student age, देख सकते हैं यहाँ पर student age के according, और उसके बाद हो जाता है आपका mental level and intelligence is called spiral curriculum। कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो spiral curriculum होता है उसको age के according, है ना, उसके intellectual के according, है ना, उसके क्या कहते हैं कि mental के according बांट करके, है ना, भाग में बांट करके उसको पढ़ाया जाता है। उसके बाद हो जाता है लर्निंग टेक प्लेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक, विथ रिपीटेशन ऑफ कंटेंट लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव। क्या मतलब हो गया कि स्पाइरल करिकुलम के अकॉर्डिंग जब पढ़ाया जाता है तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाता है, जनरल से सामान्य से स्पेसिफिक की तरफ जाया जाता है, और उसके बाद में इसी तरीके से हम जटिलता की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये किन्होंने दिया था? ये ब्रूनर ने 1960 में दिया था। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है द डायग्राम ब्लोज शो द लेवल ऑफ लर्निंग विजिट्स एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी। क्या कहने का मतलब है? देखिए, यहाँ पर कोई भी चीज जब सीखा जाता है किसके थ्रू से? स्पाइरल करिकुलम के थ्रू से जब सीखा जाता है तो उसको भाग में बांट करके सीखा जाता है, यानी कि बच्चे की एज कितनी है, बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, बच्चे का फिजिकल लेवल कितना है, उसी के बिहाफ में यहाँ से चीजें सीखी जाती है। देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला लेवल पर होता है लेवल ऑफ एरियाज, यानी कि किस एरियाज या फिर किस लेवल का वो चीजों को पढ़ने वाला है। यहाँ पर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चा इंटरेक्ट करके देखता है। दूसरा होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्या मतलब है कि ये जो स्पाइरल एजुकेशन होता है, स्पाइरल करिकुलम होता है, वो इस तरीके से चलता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है। देखिए, यहां पर पहले बच्चा सीखेगा, फिर सीखने के बाद में बच्चा देखेगा जहां पर जाने के लिए क्या करेगा कि पहले के यहां को क्लियर करेगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तब यहां आएगा, तो विजिट करता है। ये पहले ये सीखेगा, फिर इसके बाद ये सीखेगा तो इसी के बिहाफ पर सीखेगा, ये सीखेगा तो इसी के बिहाफ पर सीखेगा। तो इस तरीके से चलता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी। यानी कि पहले जो है हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, बच्चे को हम टेबल सिखाते हैं, 1 2 3 इस तरीके से सिखाते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको
ऐड करना सिखाते हैं कि 1, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, फिर उसको मल्टीपल करने सिखाते हैं। तो इस तरीके से लेबल के थ्रू से जब सिखाते हैं तो उसी को स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है टॉपिक्स टॉट विद ग्रेटर डेप्थ ईच टाइम। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया ना आपको, यहां पर जब लेबल होता है स्टार्टिंग का तो यहां पर क्या है, इजी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, तो ये जो ग्रेटर होता जाता है, डेप्थ होता चला जाता है। चौथा पॉइंट हो जाता है टॉपिक्स आर विजिटेड विद इन अ एक्रॉस टर्म, यानी कि जितनी भी चीजें यहां पर सीखा जा रहा है, ठीक है, यहां पर जितनी भी चीजें सीखा जा रहा है, पहले ये सीखा तो ये क्या करता है कि विजिटेड, यहां पर पहले देखेगा, यहां पर पहले मैंने क्या सीखा था, किस तरीके से सीखा था, उसका जो है एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। देखिए ये कहते हैं कि नियरली एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट विथ अ स्पाइरल करिकुलम। देखिए एग्जांपल जो दिया हुआ है यहां पर, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का होता है, तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, पहले जो एडिशन सिखाते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, डिवीजन क्या कहते हैं कि सिखाते हैं। तो इस तरीके से जब कोई चीज सिखाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी करिकुलम को बांट करके, यूनिट्स में बांट करके सिखाया जाता है, तो उसको स्पाइरल करिकुलम बोला जाता है। अब यहां पर जो है कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं जहां से ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आप और आपके कॉन्सेप्ट। देखिए पहला पॉइंट है यहां पर, द स्टूडेंट विजिट अ टॉपिक आर थीम सब्जेक्ट सेवरल टाइम थ्रू आउट देयर स्कूल कैरियर। देखिए वो अपने स्कूल कैरियर में एक ही सब्जेक्ट को, जैसे कि मैथमेटिक्स का एग्जांपल लिया, तो जब स्टार्टिंग एज में रहेगा, स्टार्टिंग क्लास में रहेगा, तो वो क्या सीखता है, वो पहाड़े को सीखता है, टेबल को सीखता है। जब वो दूसरे तीसरे क्लास में जाता है तो क्या सीखता है, ऐड करना सीखता है, सब्ट्रैक्शन सीखता है। तो इस तरीके से क्या कहता है कि अपने स्कूल कैरियर में किसी भी चीज को बांट बांट के सीखता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाता है कि द कम्प्लेक्सिटी आर द थीम इंक्रीजेज विद ईच रीविजिट। ये देखिए रीविजिट का क्या मतलब है कि जब यहां पर आपने इस चीज को सीखा तो ये इस तरीके से चलता है स्पाइरल। तो यहां पर जो चीज सीखा ना आपने, तो यहां पर सीखने के लिए आपको रिविजिट करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है, यानी कि प्रायर जो नॉलेज है, प्रीवियस जो नॉलेज है, उसके यहां पर आप कोई भी चीज सीखते हैं। उसके बाद होता है आपका न्यू लर्निंग हैज रिलेशनशिप विद ऑल लर्निंग एंड इज पुट इन कॉन्टेक्स्ट विद द ऑल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब हो गया कि जब, जैसे मैंने बताया ना आपको, जब भी कोई न्यू लर्निंग सीख रहे होंगे यहां पर, जैसे आपने ये पोर्शन सीख लिया, जब आप ये सीखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहां पर ऑल लर्निंग इंफॉर्मेशन को पहले सीखेंगे। जैसे कि आपको मैंने मैथमेटिक्स से एग्जांपल दिया कि आप जो है सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन तब तक नहीं सीख पाएंगे जब को आपके टेबल नहीं आएगा। तो ये कहता है कि स्पाइरल लर्निंग, स्पाइरल करिकुलम में क्या होगा कि कोई भी चीज जो है ऑल लर्निंग के बिहाफ पर ही सीखेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन होगा इसके रिलेटेड तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।